दोस्तों यहाँ भैया को पहचान लो। अभी जब मैं लास्ट टाइम विजिट हुई थी मेरी सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली कालका जी आउटलेट, तो भैया के साथ मैंने अचीवमेंट सर्टिफिकेट वाली वीडियो बनाई थी, आप देखो इनकी वीडियो जाकर। और सबसे ज़्यादा इन्होंने यूज़ किया है पावर प्रो प्रोटीन, और RC भी ये यूज़ कर चुके हैं। अगर आपको मसल साइज गेन करना है तो कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, ये आपको भैया ही बताएंगे कि RC लेना चाहिए या पावर प्रो लेना चाहिए। सबसे पहले भैया का बहुत बहुत स्वागत है, इनकी पुरानी वीडियो जरूर देखो जाकर। बाउंसर है भैया, तो अगर आप भी बाउंसर बनना चाहते हैं तो भैया ये बॉडी टाइप होना चाहिए, मतलब दिखने में बिल्कुल ऐसा तगड़ा जो मैनेजमेंट में आप दूर से इशारा करें और मैनेजमेंट हो जाए, वो होता है बाउंसर की सर्विस। तो भैया क्या नाम है आपका? राहुल सिंह जी। कहाँ से हो आप? नोएडा। नोएडा से हैं भैया। अब भैया से जरा मैं पूछता हूँ कि भैया आपने RC भी ट्राई कर लिया? हाँ जी। आपने पावर प्रो भी ट्राई कर लिया? हाँ। तो दोनों में से बेटर कौन सा लगा? पावर प्रो प्रोटीन। पावर प्रो प्रोटीन को बेटर लगा। अच्छा, RC और पावर प्रो में जो मैं कहता रहता हूँ डाइजेशन है कुछ फर्क? हाँ उसमें है। किसमें? RC में डाइजेशन हार्ड है। हाँ। पावर प्रो का इजी है। कितने खा लिए होंगे पावर प्रो आपने? 3 मैक्सिमम। 3 खा चुके हैं भैया पावर प्रो। तो भैया कह रहे हैं भैया पावर प्रो नहीं यार, मतलब आरसी अभी ट्राई कर चुके हैं, भैया मैं पावर प्रो तो ले ही लूंगा, वो तो है ही फेवरेट, पर एक कुछ नया ट्राई करना है मुझे, तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अब 3 पावर प्रो खा चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, और भैया कितना मसल साइज गेन हो चुका होगा अब तक? 1 इंच ही बढ़ गया। 1 इंच मसल साइज गेन हुआ है 6 महीने में। अच्छा, ये 1 इंच मसल साइज 6 महीने में गेन क्यों हुआ, ये भी थोड़ा सोचने की बात है, क्योंकि इनका पहले ही 16 इंच मसल साइज था। हाँ जी। और अब इनका 17 हो चुका है। दोस्तों देखो, अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, मसल साइज गेनिंग में भी फर्क होता है। अगर आप बिगनर हैं, जिंदगी में पहली बार आप प्रोटीन ले रहे हैं पावर प्रो, तो हो सकता है कि एक बॉक्स से ही आपका आधा या 1 इंच मसल साइज गेन हो जाए स्टार्टिंग में। अब जब आप दूसरा बॉक्स लेंगे तो उससे आपका मसल साइज गेन तो होगा पर कम होगा, जब तीसरा लेंगे और कम होगा, चौथा लेंगे और कम होगा, मतलब जैसे जैसे आप पुराने चावल होते जाएंगे आपकी जो ग्रोथ है वो भी स्लो होती चली जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मसल साइज एकदम से बूम गेन होता है, ऐसे गेन होगा, उसके बाद फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर एक कॉन्स्टेंट स्टेज भी आ जाती है जिसको प्लेटू स्टेज कहते हैं, जिसको ब्रेकर स्टेज कहते हैं। तो उस वाली स्टेज में हमको वेरिएशन देनी होती है। वेरिएशन देने का मतलब आप प्रोटीन चाहे मतलब दिन में 3 बार लो, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो, आप जो सुबह एक्सरसाइज कर रहे थे शाम को करो, शाम वाली सुबह करो, जो सोमवार को कर रहे थे वो शनिवार को करो, शनिवार को सोमवार को करो, वेरिएशन उथल पुथल कर दो सब कुछ, तब आपके रिजल्ट कंटिन्यू होंगे। और एक लिमिट पर आकर अपने रिजल्ट रुक भी जाते हैं, और वो लिमिट हर किसी शरीर की अलग होती है। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं, अभी तो खैर मैं वेट ट्रेनिंग मतलब जो है मसल्स मेंटेनेंस पर्पज से करता हूं, अभी मैं क्रॉसफिट वगैरह और ये जो आपकी जो ग्राउंड एक्सरसाइज है ये ज़्यादा करता हूँ, पर मैं अपना आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, मैंने सारे प्रोटीन ट्राई करे, सारे प्रोटीन पावर प्रो से लेके RC वगैरह सारी चीज़, मेरा कभी भी मसल साइज 17 इंच से ऊपर नहीं गया। जब पीक पे था, मतलब बाइसेप्स का साइज अगर मैं कहूं, या चेस्ट का साइज मैं कहूं, तो 46 इंच से ऊपर नहीं गया जो पीक पे था, इस चीज़ को समझो। और मैंने सबको ट्रायल करके देख लिया, तो एक लिमिट तक आके जो है आपके रिजल्ट्स रुक जाते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ जो जो बिगिनर लोग हैं वो अक्सर कहते हैं कि भैया मैंने पहले लिया था पावर प्रो प्रोटीन, 1 इंच मसल साइज बढ़ाया, दूसरे डिब्बे से तो मेरा 0.5 इंच ही बढ़ा, ऐसा क्यों हुआ? भाई इस चीज़ को समझो, ये बॉडी की ग्रोथ होती है, स्टार्टिंग में बूम होती है उसके बाद स्लो हो जाती है। यहाँ भैया से पूछो, भैया बात सही है नहीं है? हाँ जी भाई। 16 इंच तक का सफ़र वो आपका इजीली हुआ होगा, और 16 से 17 वाला 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने में। अब हो सकता है 17 से 18 वाले भैया को 1.5 साल लग जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये बॉडी की ग्रोथ अलग अलग होती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी मसल साइज गेन करना चाहते हैं तो पावर प्रो लो, पर अगर आप पावर प्रो ले चुके हैं कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, जैसे भैया 3 डिब्बे पावर प्रो के ले चुके हैं और RC कितने? एक RC का ले गया और एक में ही छक गए हैं RC, भैया अब RC नहीं लेना दोबारा, तो भैया ने अब लिया है 1 साइंस नाइट्रावे। भैया लेने तो आए थे मसल टेक नाइट्रोटेक USA वाला, पर अब USA वाला नहीं आ रहा, अब इंडिया वाला ही आएगा। जैसे कि अब सिंथा 6 इंडिया वाला आ चुका है, सिंथा 6 भी USA वाला अब जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करा रही हैं। ये अभी जो है आपको इम्पोर्टेड ब्रांड और इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी 1 साइंस नाइट्रावे की, तो ये आप ले सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो, इसमें आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, क्रिएटिन वगैरह बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर। अच्छा, अब एक सवाल जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, राहुल भाई आप इतने टाइम से सप्लीमेंट्स वाला से जुड़े हुए हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, अलग अलग आप ले चुके हैं, भाई कभी कोई दिक्कत परेशानी? अभी तक तो कोई दिक्कत आई ना, आगे भी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। और भैया इन फ्यूचर आप सप्लीमेंट्स कहाँ से लेंगे? सप्लीमेंट वेला। अगर आपसे कोई सलाह लेता है भैया मुझे को प्रोटीन चाहिए कुछ चाहिए, तो कहाँ की सलाह देते हो? सप्लीमेंट वेला। अगर आपने दी भी है किसी को सलाह? हाँ बहुत लोगों को दी है, वो ले भी जा चुके हैं? हाँ। कभी किसी का उल्हाना तो नहीं आया?
उड़ाना समझते हैं ना आप। हाँ मैं उनसे पहले कह देता हूँ, पहले देख लो सब कुछ कर लो जब लेना। हाँ। उनकी इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह देखो, कंफर्म करो अपने। हाँ। माँ बाप को दिखाओ, जब तुम्हें लगे सही है जब लेने आओ। तो फिर वो ले जाते हैं ना। हाँ। पर वो कहते हैं इस बात को, भैया आपने सही जगह भेजा। हाँ। तो सप्लीमेंट्स विला आज पूरा इंडिया जानता है, पूरा इंडिया सप्लीमेंट्स विला परिवार है। तो भैया आप भी आओ सप्लीमेंट्स विला के पास। अच्छा राहुल भाई से पूछो, राहुल भाई चलो ये तो बात होगी, सप्लीमेंट्स विला से पूरी सपोर्ट रहती है। हाँ जी। क्या सपोर्ट रहती है पहले ये बताओ? कॉल वगैरह आती है 15 दिन में। हाँ। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा? हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पूछते रहते हैं ना। हाँ जी। तो कैसा लगता है आपको फिर? बढ़िया लगता है, फैमिली वाली फीलिंग है। और यूं ही चाहिए। अच्छा, और मुझे लगता है अब तो आपकी आवाज़ या आप सप्लीमेंट्स वाला की आवाज़ पहचान गए होंगे। हाँ जी। अब तो बिल्कुल घर जैसी बात हो गई है। और भैया ने मुझे वादा भी किया था, क्योंकि नोएडा वालों की बहुत डिमांड है कि भैया नोएडा में जो है आउटलेट ओपन होना चाहिए। तो भैया ने मुझे, मैंने बोला था मैंने, भैया नोएडा में जगत फार्म में आप थोड़ी सर्च करिए। भैया कह रहे हैं, भैया मैं सर्च करी थी पर वहाँ पर नहीं ओपन हो पाया। तो भैया आप सलाह दे रहे हैं, भैया जगत फार्म में हमको लोकेशन नहीं मिल पाती है तो फिर कहाँ लेनी चाहिए लोकेशन? नोएडा। नोएडा मतलब सिटी सेंटर। सिटी सेंटर के आसपास। तो आप मुझे बताओ सिटी सेंटर वाली लोकेशन ठीक है या नहीं है? तो जल्दी नोएडा में भी आउटलेट ओपन होगा पर हमको लोकेशन नहीं मिल पा रही है। और नोएडा में मतलब यार बहुत भागम भाग है भाई, बहुत ज़्यादा। तो जल्दी हम मिलेंगे नोएडा आउटलेट ओपनिंग में। और राहुल भाई आओगे आप ओपनिंग में? हाँ जी। प्रॉमिस है ना? पक्का। तो रीवन हम भाई से कटवाएंगे। तो आप भी जुड़े सप्लीमेंट्स वाला से। आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ, क्योंकि आप मुझसे कहते हो मेरे मम्मी से बात करो भैया, मेरे पापा से बात करो भैया। भाई मैं आपके मम्मी पापा से कैसे बात करूंगा यार, हर किसी की मम्मी पापा से नहीं कर सकता। सप्लीमेंट्स वाला देखो, पेरेंट्स विजिट करते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आते हैं सप्लीमेंट्स वाला पेरेंट्स। और मैं दिखाता भी हूँ उनको, बताता भी हूँ उनको, समझाता भी हूँ, और वो संतुष्ट होकर अपने बच्चे के लिए सप्लीमेंट लेके जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मम्मी आई थी अपने बेटे को लेकर, सप्लीमेंट लेने तो आई थी, बताने आई थी कि भैया मेरे बेटे का वजन बढ़ चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। देखो इस वीडियो को, पता लगेगा आपको। तो सबसे ज़्यादा माँ बाप आते हैं, तो अपने पेरेंट्स को दिखाओ। अगर कोई पेरेंट्स वीडियो को देख रहा है, आपका बच्चा भी प्रोटीन लेना चाहता है, जिम जाना चाहता है, तो उसको जाने दो, मत रोको। ये मेरा वादा है, आपके बच्चे का शरीर बनेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होंगे। उसको इधर उधर से सप्लीमेंट मत लेने दो, ओरिजिनल सप्लीमेंट लाओ, सिर्फ सप्लीमेंट्स ला से। तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं वन साइंस नाइट्रावे। अगर आप गेनिंग प्रोटीन्स में कोई अच्छा और सस्ता और लंबा चलने वाला कोई प्रोटीन देख रहे हैं तो वन साइंस नाइट्रावे एक अच्छा ऑप्शन है, वरना पावर प्रो तो बेस्ट है ही, वो भैया कह ही चुके हैं। तो आप जो लीजिए, नाइट्रावे लीजिए, सिंथासिक्स लीजिए, नाइटोटेक लीजिए, पावर प्रो लीजिए, आरसी लीजिए, जो लीजिए ओरिजिनल लीजिए, सिर्फ सप्लीमेंट सलाह से लीजिए। तो ऑर्डर करें, ऑर्डर करने के दो तरीके। पहला तरीका, जैसे भैया आ जाते हैं सप्लीमेंट सलाह कालका जी आउटलेट, ऐसे आप आ सकते हैं। जहाँ भी नज़दीकी आउटलेट है, देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं, लुधियाना से लेकर लखनऊ तक आउटलेट हैं, बरेली, अलवर, जयपुर, गुरुग्राम, गाजियाबाद, अलीगढ़, सब जगह आउटलेट्स हैं, आगरा, मथुरा। तो जहाँ भी नज़दीकी आपके आउटलेट है वहाँ विजिट करो, वरना सप्लीमेंट्स वाला की कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराओ। आइए सप्लीमेंट्स वाला, जुड़िए, चाहे ऑनलाइन लीजिए, कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराइए, ऑल ओवर इंडिया कोरियर मिल जाएगा। supplementsvala.com विजिट कर लो या आउटलेट आइए, आपको मिलेगी फैमिली वाली फील और पूरा सपोर्ट जो है भैया बता ही चुके हैं। तो यहाँ पर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है आने के लिए यार, इतना विश्वास के लिए। अगली बार मिलूंगा भैया से जब इनका मसल साइज, भैया कितना करना चाहते हो मैक्सिमम? 18 तो होना चाहिए मैक्स, 18 होना चाहिए, 17 तो हो गया। तो भैया एक इंच का सफर जब इनका तय हो जाएगा तो फिर इनके साथ जो एक वीडियो और बनाऊंगा मैं। एक बार तो अचीवमेंट सर्टिफिकेट ले चुके हैं, पर अब 18 पे, जब इनका 18 हो जाएगा तब एक बार और, ठीक है ना? वैसे यार अचीवमेंट तो एक बार में दिया जाता है, पर नहीं, अब जब स्पेशल राहुल भाई का जब 18 हो जाएगा, मैं देखना चाहता हूं 18 होता है नहीं होता है, मैं भी तो देखना चाहता हूं यार। और भैया का कॉन्फिडेंस इतना है कि करके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। और मैंने भैया को बोल दिया, मैं भाई आप करके दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि 18 जो है हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तो आज तक हुआ नहीं, तो भैया का देखेंगे। तो जुड़ो आप भी सप्लीमेंट्स वाला से, अगली बार मुलाकात होगी नई वीडियो में भाई के साथ। और ये सप्लीमेंट्स आपको हमेशा मिलते हैं ओरिजिनल जीएसटी बिल के साथ में, भैया सही कह रहा हूँ? हाँ जी। आपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मंगा सकते हैं, हमेशा बिल वगैरह मिलता है ना आपको, ही मिलेगा। तो जुड़िए सप्लीमेंट्स विला से। नमस्कार।